अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सब लोगों का? अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे और अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। और मेरे लिए भी ज़रूर दुआ किया करें, साथ साथ अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे। और जी, इस वक्त जो है मैं जा रही थी बाहर खेतों की तरफ, क्योंकि जो नेक्स्ट व्लॉग मैंने शेयर किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि हम लोग कुछ सब्जियां वगैरह लगानी है, वो लगाएंगे और लहसुन वगैरह लगाना है। और इसलिए अभी सब्जियां वगैरह तो नहीं लगाई, जब वो लगाऊंगी तो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो फ़िलहाल जो है आज क्यारे जो हैं वो ज़मीन मतलब सेट की है। सेट करने के बाद जो है अम्मी ने मुझे बुला लिया था कि आओ साथ जो है मेरे साथ लहसुन लगवा दो। तो इसलिए अम्मी भी इधर ही हैं और मैं भी आ गई थी, और इसलिए जो है अभी बैठूंगी मैं भी अम्मी के साथ और इनके साथ जो है मैं भी लहसुन लगवाऊंगी। इस तरह से ये लाइन सी बना के तो फिर इसमें जो है एक एक जवा जो लहसुन का है वो इस तरह से रखते जाते हैं साथ के साथ, और इस तरह लाइन बनाते जाते हैं और फिर आगे से आगे लगाते जाते हैं इस तरह से सारा। और लहसुन जो है वो हमने सारा अल्हम्दुलिल्लाह लगा दिया था, सारा ही लग गया। और उसको लगाने के बाद जो है अभी ट्यूबवेल चलाया है और अभी इसमें जो है पानी दिया जा रहा है जहाँ जहाँ अभी जो है लहसुन लगा दिए। और जब सब्जियाँ लगाऊंगी तो इंशाल्लाह जो है वो भी बीज वगैरह तो वो ले आए हैं अम्मी लोग, और उसके अलावा सरसों का साग भी लगाना है, उसका बीज ले कर भी आना है। तो जब वो लगाऊंगी तो इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। कुछ सब्जियां वगैरह लगानी है, मूली हो गई, शलजम हो गया, सरसों का साग हो गया, और इस तरह से जो बाकी सब्जियां होती हैं थोड़ी बहुत वो भी लगाऊंगी। घर की सब्जियां तो वैसे भी मुझे काफ़ी अच्छी लगती हैं। और इसके अलावा उसके बाद जो है घर आने के बाद मुझे जाना पड़ा था, बच्चों के लिए कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी इसलिए मैं बाज़ार आई थी। बाज़ार आते आते वैसे मैंने ये शूज़ की एक जो थी मार्केट थी एक चक्कर लगाया, वहाँ से साथ साथ आपके लिए वीडियो वगैरह बना ली। इधर जो है शूज़ की सेल वगैरह लगी हुई थी वो दिखाई। और उसके बाद जो है मैंने आमना के लिए कुछ जॉगल्स वगैरह देखने थे, क्योंकि आगे जो है हमारी कुछ शादियाँ आ रही हैं, तो उसके लिए मैंने थोड़ा बहुत क्लिप बनाया कि सॉरी जब मैं घर जाऊंगी तो फिर उसको जाके दिखाऊंगी, जो भी उसको पसंद आएगा तो फिर साथ आके ले लेगी। और यही क्लिप मैंने ब्लॉग में भी ऐड कर दिया ताकि आप लोग भी देखें। काफ़ी अच्छी जॉकर्स की वैरायटी जो है बच्चियों में आई हुई है। और आते आते हर काफ़ी टाइम हो गया था, ज़्यादा जाने से पहले जो है मैं खाना वगैरह बना के नहीं गई थी। दिन को जो है आलू के कटलेट्स बनाए थे बच्चों के लिए, उन्होंने वही खा ली। और उसके बाद जो है आलू कुछ उबले हुए पड़े हुए थे और मैं आई फ़ौरन से जो है प्याज़ वगैरह काट के आलू की भुजिया जो है जल्दी जल्दी से बना लूँगी। इसकी रेसिपी तो ऐसी नहीं है, हर बंदा ही बना लेता है, लेकिन ये जल्दी से बनने वाली है इसलिए मैं घर आके जो है फ़ौरन से अब यही बना रही हूँ। Thank you.
जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो आलू की भुजिया है वो तैयार हो गई है। जल्दी से बन जाती है ये वाली हंडिया, क्योंकि आलू जो है वो पहले से उबाल के रखे हुए होते हैं, और इसलिए जल्दी जल्दी से बाकी जो मसाला वगैरह है वो बनाएं, और जो रेगुलर के मसाले होते हैं, मतलब सब्ज़ मिर्च वगैरह, सुरख मिर्च, हल्दी, और उसके अलावा गरम मसाला, उसके साथ जो है मैंने थोड़ा सा तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून के करीब जो है दही भी इसमें ऐड किया था। उससे जो है काफ़ी ज़्यादा इसका अच्छा जो है टेस्ट आ जाता है। और उसके साथ साथ जो है मैंने आटा वगैरह गूंद के साथ ही रख लिया था, साथ साथ जो है हंडिया भी तैयार हो रही थी, और इसलिए जल्दी जल्दी सिखा रही हूँ, क्योंकि इस टाइम ज़्यादातर ऐसे होता है कि लाइट जो है वो चली जाती है, और इसलिए लाइट जाने से पहले पहले सोच रही थी कि जल्दी जल्दी से खाना बना लूँ। खाएंगे तो खैर लेट ही, लेकिन मैं जो सोच रही थी कि अभी जल्दी से खाना बनाऊं, और इसलिए साथ साथ जो है रोटियां जल्दी से बना रही हूं। और उसके साथ जो है आज बच्चों ने बोला था कि मामा थोड़ी सी सेवइयां भी साथ बना ले, और साथ ही जो है थोड़ी सी सेवइयां भी बना के रख लूँगी, और उसके बाद जो है अभी हम लोग खाएँगे शाम का खाना। और आप लोग जो है वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें, और जाते जाते वीडियो को लाइक भी कर दें, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इसको देखें और अप्रिशिएट करें। और मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी सेहत दी, तो नेक्स्ट टाइम जो है नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं आपसे मुलाकात करूँगी। अल्लाह हाफिज़।